तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बात करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न, योजना विधि अथवा प्रोजेक्ट विधि, शिक्षण की योजना विधि और शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए और साथ ही साथ बीएड फर्स्ट ईयर के आपके थर्ड पेपर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं योजना विधि अथवा प्रोजेक्ट विधि। सबसे पहले आप ये सुनिए, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है। तो प्रोजेक्ट विधि के जनक मूल जॉन डीवी, देखिए जॉन डीवी ने इसकी शुरुआत करी थी, लेकिन उसको आगे बढ़ाया था उनके शिष्य अकिल पैट्रिक ने इस विधि का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अब योजना विधि क्या होता है। योजना विधि का मतलब प्रोजेक्ट विधि। इस विधि में शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। अब आप एग्जांपल के तौर पे यूं समझिए कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला है, उस प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो प्रोजेक्ट में करना आपको होता है, लेकिन शिक्षक क्या करता है, टीचर आपका मार्गदर्शक यानी कि गाइड करता है। तो वही कहा गया कि इस विधि में शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। बालक द्वारा ही किसी प्रोजेक्ट को हल किया जाता है जो कि उद्देश्यपूर्ण होता है। इस विधि में पता करके सीखने पर बल दिया जाता है। इस विधि में प्राप्त होने वाला ज्ञान अस्थायी एवं स्पष्ट होता है। कोई समस्या, बिल्कुल समस्या नहीं। और परियोजना विधि मतलब प्रोजेक्ट विधि में बालकों को में तारक चिंतन अथवा अन्वेषण शक्ति का विकास होता है। तारक चिंतन तो समझ में आ रहा है, सोच विचार का। अन्वेषण का मतलब खोज होता है, ठीक है, इसको ह्यूरिस्टिक कहते हैं। तो अन्वेषण शक्ति का विकास होता है। आत्मनिर्भर सामाजिक गुणों से पूर्ण होते हैं। और इस विधि में हाथ से कार्य करने पर बल दिया जाता है, मतलब स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है। और जब आप स्वयं से करेंगे तो आपके शारीरिक मानसिक परिश्रम होगा। परियोजना विधि अधिक खर्चीली तथा अधिक समय लेने वाली होती है। समझ में आ गई। अब मान लीजिए कुछ भी प्रोजेक्ट, इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, उनको प्रोजेक्ट दे दिया गया कि चलो तुम भाई ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बनाओ, तो थोड़ा सा खर्चीला होगा ही और थोड़ा सा आपके इसमें समय लगेगा। ठीक है, तो परियोजना विधि आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अब और समझने के लिए आइए एक परिभाषा देख लेते हैं। तो पार्कर के अनुसार पार्कर जी ने कहा था कि परियोजना विधि क्या होती है। परियोजना विधि कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। भैया छात्र ही उत्तरदायी होते हैं। और थॉमस और लैंग के अनुसार प्रोजेक्ट इच्छा अनुसार किए जाने वाला एक ऐसा कार्य है जिसमें रचनात्मक प्रयास अथवा विचार हो और जिसका कुछ सकारात्मक परिणाम भी हो, जिसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकले। तो ये होता है योजना विधि दो परिभाषा है पॉर्कर और थॉमस के अनुसार। अब हम बात करेंगे योजना विधि के सोपान के बारे में, स्टेप के बारे में, चरण के बारे में कि योजना विधि को कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको समस्या चयन तथा उसके स्वरूप को समझना पड़ेगा। समस्या समाधान के लिए योजना बनाना पड़ेगा और योजना को फिर क्रियान्वित करना पड़ेगा और लास्ट में योजना का मूल्यांकन करना पड़ेगा कि आपने कैसे कार्य किया। तो ये हो गया योजना विधि के सोपान। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, बाकी आप समझ जाएंगे तो स्वयं कर लेंगे। अगला हम प्रश्न देखेंगे, योजना विधि की विशेषता बताइए। बिल्कुल सिमिलर आप स्वयं से लिख सकते हैं योजना की। मैं बस एक छोटा सा हेडिंग दे दूं कि इस विधि में छात्रों को नवीन ज्ञान जीवन से संबंधित करके दिया जाता है, इसलिए अधिक उपयोगी होता है और छात्र इसमें अधिक रुचि लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। पर जब बच्चे प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें छात्रों को मौलिक चिंतन क्रियाओं तथा अनुभव द्वारा सीखने का अवसर मिलता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक सामाजिक अधिनियम पर आधारित है। इस विधि में छात्रों में सूझबूझ की क्षमता का विकास होता है। जब बच्चे प्रोजेक्ट करते हैं तो किसी भी योजना का व्यक्तिगत तथा सामाजिक रूप से उपयोगी होना अनिवार्य है। ये प्रोजेक्ट मेथड की विशेषताएं हैं। और योजना छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण एवं रोचक होनी चाहिए। चुनौतीपूर्ण भी, थोड़ा सा स्ट्रगल करें और इंटरेस्टिंग भी हो। योजना ऐसी होनी चाहिए कि छात्रों को इसके प्रयोग में कोई कठिनाई ना हो और योजना के विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का समावेश हो, मतलब थोड़े से उन्हें एक्टिविटी करना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, खत्म करेंगे इस वीडियो को। एक हम लास्ट देख लेते हैं कि योजना विधि के प्रकार क्या होता है। तो योजना भाई व्यक्तिगत प्रोजेक्ट, जैसे आपको असाइनमेंट बनाना है, ठीक है, किसी फाइल प्रिपेयर करना है, तो ये आपका व्यक्तिगत प्रोजेक्ट हो गया। लेकिन मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हैं, उस पर विचार करके एक फाइल बनाना है और आपको एक टीम दी गई है कि ये चार लोग मिलकर बनाएंगे, तो वो हो जाएगा सामूहिक प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गई। अब आप स्वयं से लिखिए कि योजना विधि के लाभ क्या होते हैं। आप स्वयं से लिख सकते हैं, ठीक है, कि इसमें विभिन्न नियमों मनोदशाओं जिज्ञासाओं इच्छाओं ज्ञान प्राप्त होता है। जो ज्ञान प्राप्त होगा उस वो अस्थायी ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें खुद से करने सीखने की अवसर मिलता है। तो इस प्रकार से आप स्वयं लिख सकते हैं, आप बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट विधि के डीमेरिट्स और उनके दोष भी हैं। उसमें दोष में क्या क्या है,
दोस्त को एक बार हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, यह जो व्यवस्था, यह जो विधि है ना, योजना विधि, इसमें शिक्षण कार्य व्यवस्थित नहीं हो पाता है, ठीक है। बच्चों अलग प्रोजेक्ट करते हैं, इस विधि में श्रम अधिक खर्च होता है, ठीक है, मेहनत लगती है, फिर पैसे भी लगते हैं। योजना विधि प्रत्येक विद्यालय में संभव नहीं है, खास करके सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में, ठीक है। उच्च स्तर पर केवल प्रोजेक्ट से ही शिक्षण नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस विधि में योजना के लिए उचित संदर्भ साहित्य का अभाव होता है, परियोजनाओं के लिए उपकरणों तथा प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, छात्रों का उचित मूल्यांकन करने में समस्या होती है, यह विधि अधिक महंगी होती है। तो यह हो गई इस विधि के दोष। दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा इस विधि के दोष, इस विधि के लाभ, योजना विधि के प्रकार कितने होते हैं, भैया दो प्रकार के, व्यक्तिगत और सामूहिक, और आपने देखा योजना विधि की विशेषताएं, प्रोजेक्ट विधि की विशेषताएं, इनके सोपान चार चरणों को देखा, और साथ ही साथ आपने इसकी परिभाषा, इसका अर्थ जाना। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। एंड प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बगल वाले घंटी वाले आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक राय कमेंट में जरूर दें। अगले वीडियो में हम देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जहाँ पे बताया गया है समस्या समाधान विधि के बारे में, ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में, और आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के बारे में, और भी बहुत सारे योजना विधि यानी कि टीचिंग मेथड के बारे में आपको बताया गया है। डिस्क्रिप्शन से उसे जरूर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। कमेंट में अपनी राय जरूर दें दोस्तों।